अक्सर लोगों को लगता है कि मेथी कड़वी होती है, इसीलिए मेथी से लोग भागते हैं। इसलिए आज हम लेके आए हैं आलू और मेथी की ऐसी सब्जी जो कि बिल्कुल कड़वी नहीं है। आप एक बार बनाइए और खाइए, तब हमको आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और मेथी की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे हैं पैन, और पैन में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल में स्वाद आता है। अक्सर देखे होंगे कि हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों का तेल हम एक टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं। और इसमें डालेंगे अब एक चम्मच जीरा और आधी चम्मच मेथी और तीन ये लाल खड़ी मिर्च है, इससे सौंधी सौंधी खुशबू आती है। हरी मिर्च इस्तेमाल ना करके हम लाल मिर्च इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ हम लिए हैं ये 250 ग्राम मेथी और इसको डाल देंगे अब। और मेथी को पहले भून लेंगे। इसका पानी जो है सब निकल जाए, मच्छर खत्म हो जाए। और यहाँ पे मेथी का मच्छर अब देख सकते हैं खत्म हो चुका है। अब इस स्टेज में हम आलू डालेंगे और आलू को भी थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे आलू और मेथी की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। उससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखे मसाले में डालेंगे एक चम्मच जीरा मिर्च पाउडर, एक चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अगर आप तीखा कम खाते हो तो मिर्ची कम भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। और इन सबको मिला लेंगे। सॉरी, हल्दी भी डालना है। और इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सबको मिला लेंगे। और इसमें हम ना कोई टमाटर ना कोई प्याज ये सब का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डालें। और ये सब्जी बिल्कुल सूखी बनाई जाती है। दाल चावल पूरी पराठा नान किसी के साथ आप खा सकते हो।
और इसको कवर करके और पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। 15 मिनट लगभग हमने पकाया है इसको, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके आलू मेथी की सब्जी तैयार हो चुका है, और एकदम सूखा और ड्राई बनता है ये। और ये सब्जी हमारी रेडी है, गैस को बंद करेंगे। इसमें धनिया वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। और ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर एक नई रेसिपी के साथ कल मिलेंगे हम।